राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर में प्रदर्शन करने पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने पलटवार करते हुए कहा कि फूलो देवी के अपने ही गृह जिला ग्राम छोटे उड़ा गांव में आत्महत्या और गैंगरेप की घटना को उजागर हुए एक महीने हो गए, लेकिन सांसद महोदया भूल गए। आज तक परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। दरअसल राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने महिलाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस पर लता उसेंडी ने उन्हें केशकाल के ग्राम छोटे उड़ा गांव में करीब एक महीने पहले आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप और आत्महत्या की घटना याद दिलाई। उसेंडी ने कहा कि सांसद फूलो देवी नेताम भूल गईं कि उन्हीं के गृह जिला कुंडा गांव में भी गैंगरेप की घटना हुई थी और पुलिस प्रशासन ने 2.5 महीने तक मामले को दबाए रखा। केंद्र सरकार पर आरोप लगाना छोड़ दें, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी पीड़ित परिवार को सहायता नहीं मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 महीना से ऊपर उस घटना को हो गया है और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय है, उसका परिणाम इस घटना को और अन्य घटनाओं में जिस तरह से निर्णय नहीं हो पा रहा है, उन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रहा है, उसका सीधा सीधा असर सरकार उनकी निष्क्रियता पर दिखाई दे रही है।